R1, तो ये बिकने के लिए आई हुई है। अगेन इसकी डिटेल बता दूंगा, चलाई मैंने बहुत बार हुई है, तो अभी इसकी टेस्ट राइड तो नहीं लेंगे। निंजा 1000, भाई बाइक के अगर लुक्स की बात करूं तो बड़े ज़बरदस्त लुक्स हैं। क्या बात है, धीरे हो जा भाई, आगे स्पीड कैम लगा हुआ है। बहुत दिन हो गए बाइक चलाए हुए, तो एक काम करते हैं, आज तो बाइक चला ही लेते हैं। एक्चुअल में काफ़ी दिन हो गए थे मेरे को, बहुत दिन मतलब इंतज़ार कर रहा था मैं। ऑल दो बाहर अगर सच बताऊं तो धूप इतनी तेज़ हो रही है और गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा बाइक चलाने का, बट स्टिल आज मतलब चलानी है, बस कुछ भी हो जाए आज चलानी है। आज चलाएंगे बाइक कोई स्पेशल सी, यहाँ से जा रहा हूँ मैं NS1, वहाँ पर कोई भी बाइक ऐसे बाहर निकालेंगे और सीधा राइड पर निकलेंगे। तो मैं आ गया हूँ NS1 के अंदर, काफ़ी वैसे गर्मी हो रही है ऑलरेडी, बट स्टिल बाइक का चला के ही मानेंगे। तो यहाँ पे खड़ी है एक RSV4, एप्रिलिया RSV4 RF स्पेशल एडिशन। ये वैसे लिमिटेड मॉडल है, लिमिटेड मतलब ये रहा 500 पीसेस वर्ल्ड में बने थे, 486 इस पे मार्किंग है, तो लिमिटेड एंड दिखने में बहुत ही सुंदर। डेटोना जो बहुत ही स्पेशल बाइक है, अगेन स्पेशल मतलब ये बाइक अपने आप में काफ़ी लोगों की फेवरेट है, 675 cc, एंड बाइक बड़ी अमेजिंग है चलने में। यहाँ पे होंडा CBR 1000 HRC एडिशन स्पेशल एडिशन है और बहुत अच्छी लग रही है। SP मॉडल कहते हैं वैसे इसको, तो SP मतलब स्पेशल। यहाँ पे डुकाटी सुपर स्पोर्ट्स S, तो ये भी एक बहुत ही अच्छी बाइक है और इसके लुक्स मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं, चलाने में बहुत मज़ेदार बाइक है। 1000 cc होती है एंड स्पोर्ट्स टूरिंग वाला सेगमेंट है ये, अच्छा है चलाने में, मज़ा आता है। देन यहाँ पे खड़ी है एक डुकाटी मॉन्स्टर, अगेन किसी को नेकेड बाइक लेनी हो तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन, बहुत ही प्रैक्टिकल ऑप्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे खड़ी है कुछ और बाइक्स, कुछ स्पेशल बाइक्स, यहाँ पे हार्ले एंड यहाँ पे ट्रायम्प की बॉबर, तो बड़ी स्पेशल। अब यहाँ पे ये वन ऑफ माय फेवरेट बाइक है वैसे, ऑल दो ये भी बिक चुकी है, तो ना तो अपन चला सकते हैं ना ही इस पर प्रैक्टिकली वीडियो बन सकता है। तो दिस इज़ हार्ले डेविडसन ब्रेक आउट, बहुत ही अल्टीमेट बाइक। यहाँ पे खड़ी है R1, तो ये बिकने के लिए आई हुई है। अगेन इसकी डिटेल बता दूंगा, चलाई मैंने बहुत बार हुई है, तो अभी इसकी टेस्ट राइड तो नहीं लेंगे। और यहाँ पे एक और स्वैगी, तो स्वैगी यो, तो इनको भी वेबसाइट पे डलवा देते हैं, चश्मा टी शर्ट जीन्स शूज सब एक 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 करके भेज देंगे, दिखाए जा रहे हैं, शो ऑफ हो रहा है। ब्रुटाले 1090, इसका वीडियो नहीं देखा है तो देख लेना, मैंने ऑलरेडी बनाया हुआ है, ऊपर कार्ट आ गया होगा। देन XR, BMW XR, बहुत ही स्पेशल बाइक और बहुत ही मज़ेदार बाइक है यार ये चलाने में, मतलब inline 4 टूरिंग, और टूरिंग में inline 4 चाहिए हो तो क्लास ऑप्शन है, क्लास मतलब इसमें एक्चुअल में BMW S1000R जो नेकेड वाला वर्जन आता है उसका इंजन होता है एंड बहुत अल्टीमेट चलती है, राइड क्वालिटी अमेजिंग। इसका भी ऊपर काट आ गया होगा, अगर नहीं देखा है वीडियो तो देख लेना। बट आज का वीडियो अब स्टार्ट करते हैं एक ऐसी बाइक से जो बाइक बहुत अच्छी है, अगर किसी को एक स्पोर्ट्स बाइक लेनी हो और थोड़ी बहुत टूरिंग भी करनी हो, सिटी में भी चलानी हो, और प्रैक्टिकली प्राइस में भी देखो तो बहुत ही प्रैक्टिकल प्राइस, 1000 cc सेगमेंट की बाइक और बहुत ही सुंदर बाइक है ये। दिस इज निंजा 1000, भाई बाइक के अगर लुक्स की बात करूं तो बड़े ज़बरदस्त लुक्स हैं, काफ़ी बड़ी बाइक है ये साइज़ में, अगर साइज़ की बात करें, बट अगर वेट की बात करें तो काफ़ी कम है, 235 kg अराउंड एग्जॉस्ट हटाने के बाद, वैसे 240 kg होती है ये। एंड बाइक बहुत ही मज़ेदार मतलब अगर आगे के लुक्स की बात करूं तो बहुत ही शार्प लुक्स हैं, शार्प लुकिंग हेडलाइट्स इसकी बहुत अल्टीमेट लग रही है। यहाँ पे इसके इंडिकेटर्स,
फ्रंट इसका जो पूरा दिख रहा है ये कंप्लीट फुल फेयरिंग बाइक 1000 सीसी 140 bhp, तो बाइक दिखती है कुछ ऐसी जो लुक्स में तो बहुत ही अमेजिंग है। इसमें स्कॉर्पियन का आफ्टर मार्केट एग्जॉस्ट लगा हुआ है, फ्रेम स्लाइडर्स लगे हुए हैं एंड छोटी मोटी बेसिक एसेसरीज भी लगी हुई हैं। ब्लैक कलर जो बेसिकली शाइनिंग ब्लैक है, इसको पर्ल ब्लैक भी कह सकते हैं, बहुत डिफरेंट लग रहा है। अगर हैंडल पोजिशन इसकी देखते हैं तो थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है, मतलब जब आप बैठते हो तो बहुत ही कंफर्टेबली बैठते हो। मीटर दिखता है कुछ ऐसा, तो मीटर के अंदर काफ़ी सारी डिटेल है। इसके अंदर पावर मोड भी है प्लस ट्रैक्शन कंट्रोल भी है। तो बाइक के अंदर यहाँ पे गियर पोजीशन दिखाता है, यहाँ पे फ्यूल, यहाँ पे टेम्परेचर, देन यहाँ पे स्पीड। ओनली 1595 किलोमीटर्स चली हुई है, मतलब 1600 अभी अपन कर लेंगे जब टेस्ट राइड लेके आएंगे। यहाँ पे आरपीएम रेंज टाइम दिखा रहा है 234 एग्जैक्ट सही टाइम दिखा रहा है। यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट, इंजन ABS, तो बाइक में ड्यूल चैनल ABS भी है। और यहाँ पे क्विक स्विच सेल्फ, देन यहाँ पे सिलेक्शंस, मतलब कोई भी चीज़ अगर आपको सिलेक्ट करनी हो मीटर पे तो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। इंडिकेटर, हेडलाइट लो हाई, मतलब लो बीम हाई बीम, और यहाँ पे चारों इंडिकेटर जलाने के लिए, पार्किंग इंडिकेटर जलाने के लिए स्विच, और यहाँ पे हॉर्न। अगर पीछे की लुक्स की बात करूँ तो अगेन बहुत ही शार्प लुक्स। यहाँ पे ये कंप्लीट LED टेल लैम्प जो बहुत डिफरेंट लगता है। टायर इसका 190 सेक्शन है जो पीछे लगा हुआ है, 190 50 17 पीछे का टायर। ब्रेकिंग सिस्टम इसमें कम्प्लीटली कावासाकी का ही लगा हुआ है। एक चीज़ बहुत अच्छी है कि सस्पेंशन जो है वो आप सॉफ्ट एंड हार्ड कर सकते हो। अगर आप सिंगल पर्सन यूज़ कर रहे हो तो इसको आप सॉफ्ट कर लो घुमा के, एंड अगर आप डबल सेटिंग में बाइक यूज़ करते हो तो आप इसको हार्ड भी कर सकते हो। तो अपने चलाने के हिसाब से हार्ड एंड सॉफ्ट सस्पेंशन किया जा सकता है। बाकी बाइक कैसी लग रही है मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना। अब चलते हैं इसकी एक टेस्ट राइड पे। गियर अप हो गया हूँ मैं और चलते हैं इसकी राइड पे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं और ये मैं बैठ गया बाइक पे। तो सिटिंग पोजीशन बहुत ही अच्छी है बाइक की, मतलब बिल्कुल मज़ेदार और थोड़ी डिफरेंट सी है। डिफरेंट मतलब कम्फर्टेबल सिटिंग है इसकी बहुत। ओए होए होए होए, ये तो दहाड़ता हुआ शेर है भाई, काफ़ी लाउड बाइक है ये। इसमें एग्जॉस्ट लगा हुआ है स्कॉर्पियन का। तो यार बाइक का एक बार रेव नोट जो बड़ा मज़ेदार है। ओए होए, दिस इज वेरी लाउड भाई। एग्जॉस्ट देख के मुझे लग नहीं रहा था बट ये अच्छी खासी लाउड है। स्पीड कैम लगा हुआ है, पटाखा मारा भाई इसने, मुझे उम्मीद नहीं थी पटाखे भी मारेगी। वैसे निंजा 1000 मैंने काफ़ी चलाई है और वो थोड़ी सी डिफरेंट थी, मतलब ये नई वाली ना काफ़ी अच्छी चलती है, बेटर चलती है। इसकी ब्रेकिंग बहुत बेटर हो चुकी है, तो थोड़ा सा ना इसको टेस्ट करते हैं कि फर्स्ट गियर में क्या जाती है। वैसे ये स्पोर्ट्स टूरिंग बाइक है, ये बनी नहीं है कि आप इसको ज़्यादा भगाओ भगाओ, ज़्यादा मतलब वैसे भगाओ। 110, क्या बात है यार, अच्छी जाती है बहुत बढ़िया। तो फर्स्ट गियर में 110 एक अच्छी खासी स्पीड होती है। अब अपन कर लेते हैं इसको सिक्स्थ गियर पे, तो एक बार स्लो स्पीड पे भी चेक कर लेते हैं कि कितनी स्पीड पे कंफर्टेबली ये सिक्स्थ गियर पे चल जाती है। ये मैं आ गया 40 पे, बहुत आराम से उठ गई। 35 पे चेक कर लेते हैं, 34 33, तो ये 30 की स्पीड करीब करीब, ये देखो बिल्कुल स्मूथ चल रही है, कहीं पे भी कोई लैग नहीं है, ऐसा नहीं है कि कहीं पे भी नॉक कर रही है बाइक। ये मैंने पिकअप उठाई, अरे वाह क्या बात है, तो कहीं पे भी कोई लैग नहीं है, बिल्कुल मज़ेदार अच्छी चल रही है। मैं सिक्स गियर पे ही चला रहा हूँ अभी और मुझे पावर में कहीं कमी महसूस नहीं हो रही, बहुत अच्छी पावर। ब्रेकिंग बहुत ही मज़ेदार, मतलब ब्रेकिंग तो खैर कावासाकी की मुझे कभी भी किसी बाइक में कम लगी ही नहीं। तो अब ज़िगज़ैग करके देख लेते हैं। तो वैसे ये बाइक अगर वेट की बात करूं तो 200 समवेयर 40 kg के आसपास है बाइक, 35-40 kg के आसपास।
बट चलने में फील नहीं हो रहा बिल्कुल भी कि ये भारी बाइक है। मजा आ गया भाई। तो वैसे ये बाइक ना उन लोगों के लिए है जिनको अगर टूरिंग करनी हो और इनलाइन फोर का भी मजा लेना हो और एक स्पोर्ट्स बाइक की भी फीलिंग लेनी हो, तो ये बिल्कुल एक प्रॉपर पैकेज वाली बाइक है। ऑफ रोडिंग मैं नहीं सोचता कि बहुत ज़्यादा इस पर कर सकते हैं, बट स्टिल इसका ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है, ग्राउंड क्लियरेंस में कहीं कोई कमी नहीं है। एंड सबसे अच्छी बात है कि बाइक ना काफ़ी वाइड है, सिटिंग पोजीशन में काफ़ी नॉर्मल है, मतलब अगर स्पोर्ट्स बाइक की अपन बात करते हैं तो स्पोर्ट्स बाइक की सिटिंग पोजीशन यहाँ होती है ऐसे, और इसकी काफ़ी ऊपर है, हैंडल काफ़ी ऊपर रेज्ड है, आरपीएम रेंज इसकी ज़्यादा नहीं है क्योंकि अगेन दिस इज़ नॉट अ ट्रैक बाइक, स्पोर्ट्स बाइक नहीं है ये। ओहो पटाखा, सबसे अच्छी बात है कि ये डरा नहीं रही कहीं पे भी, किसी भी एंगल पे किसी भी पोजीशन में मुझे इसमें डराया नहीं है। वही देखो पावर की तो कहीं कोई कमी नहीं है, मतलब एक जगह पे भी मुझे ऐसा फील नहीं हुआ कि कहीं पे कोई लैग है। मैंने फर्स्ट गियर में भी खींच के देख ली, सेकंड में भी खींच के देख ली, अब एक काम करते हैं सिक्स्थ गियर पे बड़ा प्रैक्टिकली खींचते हैं। ये देखो मतलब मीटर कहीं पे भी रुकने का नाम नहीं ले रहा इसका, कहीं पे भी कि एक जगह पे भी कहीं पे इसका मीटर की काउंटिंग कहीं धीरे आ रही है या लैग आ रहा है। मेरी कूपर एस अच्छी लगती है मुझे ये गाड़ी वैसे। तो 3 लेवल ट्रैक्शन है, 2 पावर मोड हैं इसमें और 1600 किलोमीटर चली हुई, मतलब ब्रांड न्यू बाइक। तो ये 19 मॉडल है वैसे बाइक और बिल्कुल साफ सुथरी कंडीशन मेरे ख्याल से, तो मतलब एक हेयरलाइन स्क्रैच भी नहीं दिख रहा मुझे तो इस पे। मतलब एक होता है ना बाइक पे कि हेयरलाइन स्क्रैच भी हो, इस पे हेयरलाइन स्क्रैच भी नहीं है। 1600 किलोमीटर भी ये मैंने की है, 5 किलोमीटर मतलब मैंने चला दी। मस्त भाई मस्त। मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ कि एक बाइक और ऐड कर लूँ अपनी लिस्ट में, तो कौन सी बाइक ऐड करूँ ये पता नहीं है अभी, ऑनेस्टली सच बता रहा हूँ। तो इस बाइक की जो प्रैक्टिकल एवरेज भी है ना, वो एवरेज भी ज़्यादा है नॉर्मल बाइक से, मतलब ये आराम से 15 के आसपास एवरेज दे देती है इन सिटी। अगर आप हाईवे पे लेके जाओगे तो शायद 18-20 भी दे देगी, मतलब आप टूरिंग पे लेके जाओगे तो कभी भी थकाएगी नहीं। सीट बहुत ही कम्फर्टेबल है इस बाइक की और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे मैं एक प्रॉपर टूरिंग बाइक पर बैठा हुआ हूँ, तो वैसे ही ये स्पोर्ट्स टूरर है। अच्छा इसकी सिटिंग कम्फर्ट जो है ना वो थोड़ा सा और बेटर है बूसा से, क्योंकि बूसा में फिर भी आप थोड़ा सा लीन के बैठते हो, ऑल्दो बूसा भी स्पोर्ट्स टूरिंग में ही आती है पर बूसा कुछ ज़्यादा पावरफुल है। ये उतनी पावर तो नहीं है इसके अंदर बट फिर भी कोई कमी भी नहीं है, मतलब अगर हमें टूरिंग करनी होती है तो टूरिंग की एक एवरेज स्पीड हमारी हमेशा होती है 150 के आसपास, तो ये बाइक ईजिली केपेबल है, जो इसकी टॉप स्पीड है वो 240 के आसपास 250 के आसपास चली जाती है। और सबसे बढ़िया बात है इसकी आवाज़, खतरनाक सी आवाज़ है बिल्कुल, मतलब सुपर लाउड। मैंने जब ये खड़ी हुई थी ना तब मेरे को लग रहा था कि इतनी तेज़ नहीं होगी आवाज़, पर इसकी आवाज़ काफ़ी तेज़ है। कैसी लग रही है? बढ़िया, ले लूँ? ये भी अच्छी लग रही है। इस बाइक का जो प्राइस है विद एस सीरीज वो है 12,50,000 रुपीज़ और इस बाइक का जो आस्किंग प्राइस है वो है अराउंड 9,75,000 रुपीज़ का। तो अगर ऐसी कोई बाइक लेनी हो तो आप NS1 पे कांटेक्ट कर सकते हो। बाइक की कंडीशन बहुत ही अच्छी है, बहुत ही मिंट कंडीशन की बाइक है। तो एक बार थोड़ा सा फास्ट से दिखा देता हूँ बाइक।
ताकि आपको पता लग जाएगी कंडीशन कैसी है इसकी बाइक की। तो मेरा ना फुल मूड था कि आज मैं दो बाइक्स की वीडियो बनाऊंगा, बट सच बताऊं तो जैसे ही बाइक लेके निकला ना, गर्मी इतनी थी और वो मास्क पहना हुआ, बाना क्लवा पहना हुआ, तो बस मैं कुछ बोल ही नहीं पाया। मतलब मुंह से ना, मतलब वो निकल ही नहीं पा रहा था, एनर्जी ही नहीं आ रही थी। तो फिर मेरे को लगा कि छोड़ो यार, लो एनर्जी में बनाने से अच्छा है वीडियो कि नहीं बनाऊँ, जो बन गया वही बढ़िया, जितना बन गया उतना अच्छा है, इतना टर्बो फैमिली को दिखा दिया, मेरे ख्याल से इन्फॉर्मेटिव ही है, कहीं इन्फॉर्मेशन की तो कमी थी नहीं। तो अगर कोई भी बाइक लेनी है तो NS1 पे कॉन्टैक्ट तो कर ही सकते हो। अब काफ़ी लोग मुझसे ये भी पूछते हैं कि भाई NS1 को प्रमोट करते हो कितने पैसे लेते हो, तो भाई NS1 को प्रमोट करता हूँ तो पैसे वैसे नहीं लेता हूँ, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनका शोरूम है, और पैसे लेके प्रमोट अगर मुझे करना होता ना तो इतनी कंपनीज हैं और इतना बड़ा मार्केट है ना कि मैं रोज़ ही किसी ना किसी का एक वीडियो बना रहा होता। पर अपन सिर्फ वीडियोस अपने ही शोरूम के बनाते हैं क्योंकि अपने को ट्रस्ट है अपनी टीम पे। तो अपन जो भी काम करते हैं उस पर पूरा ट्रस्ट, कोई दिक्कत भी आ जाए तो अपन बैठे हैं और उस पर कहीं ना कहीं जवाब भी दे सकते हैं, और कुछ ना कुछ शायद अगर गलत हो भी जाए, देखो गलती किससे भी हो सकती है, बट अगर गलत हो भी जाए तो एटलीस्ट वी आर देयर। तो किसी और को कंट्रोल नहीं कर सकते ना, पैसे लेके क्या बनाना तो बहुत आसान होता है, 10,000, 20,000, 50,000 मिलना बहुत मामूली सी बात होती है एक वीडियो के, जिस लेवल पे अपना चैनल है। पर मैं करता नहीं हूँ ऐसी हरकतें। बाकी मैडम बैठी हैं साइड में, पता नहीं क्या सोच रही हैं, कहाँ मतलब कौन सी दुनिया में है। आप जो बोल रहे थे उसी का एक्ट करने की कोशिश कर, तो ये एक्ट वैक्ट कर रही थी, प्रैक्टिस कर रही थी, और अभी कह रही थी कि ये महीने की सिर्फ 12 तारीख की हुई है आज, 15 ही की हुई है आज, 15 हो गई, तो 15 तारीख की हुई है आज, 20-22 होनी चाहिए थी। ऐसी आपको कोई फीलिंग आ रही है? मुझे तो नहीं आ रही, ऑनेस्टली बताऊं तो 15 है तो मुझे 15 ही लग रही है, उल्टा मेरे को थोड़ा सा लग रहा है कि अभी शायद 14 ही होना चाहिए, मतलब 13-14 तारीख होनी चाहिए, इनको शायद लग रहा है 20-22 तारीख, पता नहीं, महीना लंबा लग रहा है मेरे को, ये महीना लंबा लग रहा है। क्यों भाई, ऐसा क्या हो गया? पता नहीं, मतलब गर्मी बहुत ज्यादा है, मतलब ये खुद तो बोरिंग है ही है, मतलब बंदा बोरिंग होता है ना तो खुद भी बोर होता रहता है, ऐसा ही होता है, तो फिर टाइम ज्यादा लगता है, मतलब ऐसा लगता है लंबा लंबा ऐसा। ये देखो अबे, ओ हेलो, एज अ इन्फ्लुएंसर ना मैं किसी से भी 10,000 रुपये पर वीडियो तो मिनिमम चार्ज कर सकता हूँ। नॉर्मली जब 1 मिलियन सब्सक्राइबर्स हो जाते हैं तब इजीली 15-20,000 भी लोग चार्ज कर लेते हैं, बड़ी अगर कोई कंपनी हो तो 50,000 भी इजीली मिल जाते हैं, बट अपना वो जॉनर नहीं है कि अपन किसी से पैसे लेके सिर्फ उसको प्रमोट कर दें और किसी को बोल दें कि भाई वहाँ पे जाके और ये चीज़ ले लो, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत गलत हो जाता है, लास्ट में जाके बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर मैं आपको कोई एक ऐसी जगह पे भेज दूँ और वहाँ पे आपके साथ कुछ गलत हो जाए तो वो डायरेक्टली मेरे ऊपर आएगा, तो ऐसा कोई भी काम नहीं करना है। तो NS1 से आप इजीली कोई भी बाइक खरीद सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। मैंने पर्सनली बहुत सारी बाइकें खरीदी है, मैंने अपने बहुत सारे दोस्तों को बाइक्स दिलवाई है, कभी भी किसी को प्रॉब्लम नहीं आई, और अगर कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम आती भी है तो दे आर वेरी गुड, मतलब इतने बढ़िया नेचर है उनका कि कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि वहाँ पे अपन गए कोई प्रॉब्लम लेके और उन्होंने रिजॉल्व नहीं किया हो। तो अगर सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और बाइक पसंद आ गई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भी कर देना। मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।